हेलो, मेरा नाम है अलीशा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो आप ई कॉमर्स से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, इम्पोर्ट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का टॉपिक है अपन पेटीएम पे कैसे अपने प्रोडक्ट को सेल करें पेटीएम पे। तो मैं आपको बोल के ही नहीं बताना चाहती, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी कि अपने पेटीएम पे कैसे अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। सबसे पहले अपन गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं। उसके बाद सेलर, ये मैंने पहले से ही डाल रखा है, seller.paytm.com, इस पे जाना है। यहाँ पे आपको ऐसे दिखेगा, तो यहाँ आपको लॉगिन पे नहीं जाके, जो आपका पेटीएम का अकाउंट है वो यहाँ पे नहीं डालना, आपको पेटीएम लॉगिन पे जाना है। यहां से आपको एक नया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा पेटीएम पे। ये देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कर रखा है, बट मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि आप नया अकाउंट कैसे करें। क्रिएट अकाउंट पे जाना है आपको। क्रिएट अकाउंट पे आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंड एक पासवर्ड बना के डालना है। उसके बाद वो वैसा ही दिखाएगा साइन इन, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आप साइन इन करेंगे सिक्योरली। ये साइन इन हो गया है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको पेटीएम मॉल स्टोर मैनेजर, ठीक है। तो मेरा अभी अकाउंट देखिए, सबसे पहले ये मांगेगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको पैन नंबर, नेम, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद वो वेरीफाइड करेगा। उसके बाद आपको अपनी बिजनेस इन्फॉर्मेशन डालनी है, उसमें आपको अपना एक रजिस्टर्ड बिजनेस नेम डालना है, डिस्प्ले नेम डालना है, एड्रेस डालना है और आप किस प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं वो कैटेगरी इसमें डालनी है। उसके बाद यहाँ से आपको एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद वो वेरीफाइड करेगा, तो नेक्स्ट स्टेप पे आना है वेयर हाउस इन्फॉर्मेशन। वेयर हाउस इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पे एड्रेस सेम एज बिजनेस एड्रेस पे डालना है, तो वो ऑटो ही हो जाएगा। उसके बाद इसको भी आप कंटिन्यू करेंगे तो वेरीफाइड हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लॉजिस्टिक सर्विस है जो उसको अभी तक नो लिया है। आगे देखते हैं कि मैं अपनी सर्विस यूज करती हूँ या इनकी सर्विस यूज करती हूँ। एक बार के लिए मैंने नो लिया है। ब्रांड पेटीएम मॉल, यहाँ पे आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में, जैसा कि आपको पता है, आपको अपना बैंक डिटेल डालनी है, आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेक्शन में यहाँ पे आपसे 4 कॉलम होंगे, जिसमें से आपको वो पूछ रहा होगा कि एक तो आपको इसमें डालना है एक बिजनेस एड्रेस डालना है, एक वेयर हाउस एड्रेस डालना है, एक जीएसटी नंबर डालना है। मतलब इन तीनों में ही आपको जीएसटी नंबर डालना है, बिजनेस एड्रेस में भी, वेयर हाउस एड्रेस में भी और जीएसटी नंबर, इन तीनों में जीएसटी नंबर डालना है। एक में वो कैंसिल चेक मांगेगा, वहां पे आपको कैंसिल चेक डालना है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू का बटन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो ये कंटिन्यू करके आप इसको आगे बढ़ सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे मेरा पेंडिंग वेरिफिकेशन आ रहा है, एक दो दिन में मेरा वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप सिखाऊंगी कि कैसे अपन इसके ऊपर प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हैं, कैसे अपन अपना प्रोडक्ट इस पर सेल कर सकते हैं। अभी ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए मेरे पेज को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।